हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कौन न्यू वीडियो। आज की वीडियो फ्रेंड्स रियर व्हील के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है, जो अपना रियर व्हील होता है बाइक का, वो बहुत टाइट घूमने लगता है। तो इससे फ्रेंड्स अपनी बाइक ना तो माइलेज देती है और ना ही टॉप स्पीड पकड़ पाती है, क्योंकि फ्रेंड्स रियर व्हील टाइट घूमने से इंजन पर बहुत लोड पड़ता है और इंजन हीट भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम या तो चेन की हो सकती है, आपकी चेन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हो, या फिर आपने लुब्रिकेट नहीं करी हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी बाइक की चेन में बहुत अच्छी खासी प्ले है, ये टाइट नहीं है और ये लुब्रिकेटेड भी है। तो फ्रेंड्स, ये चेन की प्रॉब्लम नहीं है मेरे केस में। और फ्रेंड्स, या तो आपकी बाइक के बियरिंग्स ख़राब हो गई हों, वो टूट गई हों, या फिर उनका ग्रीस ख़त्म हो गया हो, तब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। बट उस केस में फ्रेंड्स, पहिए में से आवाज़ आने लग जाती है। और फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम ब्रेक्स की भी हो सकती है, जब आपके जो ब्रेक पैड होते हैं वो रिलीज़ ना हो रहे हों, या फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हों, हार्ड हो गए हों। जब फ्रेंड्स ब्रेक रिलीज़ नहीं होते तो वो डिस्क से टकरा के चलते हैं और उससे भी व्हील टाइट चलता है। तो आज फ्रेंड्स मैं सब चेक करने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम ब्रेक्स की है या फिर इसकी बेयरिंग ख़राब हो गई है। तो फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखना। तो फ्रेंड्स, आपको व्हील खोलने के लिए सबसे पहले ये वाला हाफ मडगार्ड निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको 10 mm के दो इधर से ये नट्स खोलने पड़ेंगे एंड फ्रेंड्स ये दो और खोलने पड़ेंगे ये वाले। तो मैं जल्दी से इन दो चारों बोल्टों को खोल के और इनको बाहर निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे नट्स खुल चुके हैं और आप सिंपली इसको बाहर खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको एक्सल खोलना पड़ेगा यहाँ से। एक्सल खोलने के लिए फ्रेंड्स आपको 22 mm का स्पैनर चाहिए या फिर पाना हो आपके। तो फ्रेंड्स, मैं जल्दी से इसको खोल लेता हूँ। अब फ्रेंड्स हम एक्सल निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, व्हील अपने नीचे आ चुका है। अब थोड़ा सा आगे करके इसकी चेन को उतार दीजिए। तो फ्रेंड्स, चेन उतर चुकी है। अब व्हील को हम पीछे की साइड ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसकी जो ये वाली बैरिंग है वो तो फ्री है काफ़ी, बट ये थोड़ी आवाज़ कर रही है, लाइक जैसे कि इसका ग्रीस ख़त्म हो गया हो। तो मैं इसको, वैसे तो ये खुलेगी नहीं, थोड़ा सा लुब्रिकेट कर दूँगा। एंड फ्रेंड, जो दूसरी साइड की बैरिंग है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपना जो स्प्रॉकेट वाला हब होता है वो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये स्पेसर लग रहा है, ये स्पेस के लिए लगाते हैं, एक बुश टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, ये जाम हो रहा है पूरा, आप देख सकते हैं ये ऑयल सील के अंदर घूम ही नहीं रहा है। तो इसको निकाल के आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इस टाइप का होता है। इसके अंदर फ्रेंड्स जो बैरिंग लग रही है वो तो अच्छे से काम कर रही है, बट ये जो ऑयल सील है वो मुझे लग रहा है ख़राब हो गई है। तो मैं जल्दी से फ्रेंड्स इसको निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस टाइप की ऑयल सील है, ये बेयरिंग के ऊपर लगी रहती है जिससे कि उसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए। तो ये साइड से कुछ ख़राब हो चुकी है फ्रेंड्स, इसकी वजह से ये बुझ इसके अंदर ये स्पेसर जो है वो घूम नहीं पा रहा था। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको साफ़ कर लिया और इस सील को थोड़ा सा जुगाड़ करके फ्री कर लिया है इससे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे को नई नहीं मिली, मैं देख के आया अभी, सर्विस सेंटर पे भी नहीं है। तो अब फ्रेंड्स हम इसको, जो बैरिंग है इसमें थोड़ी सी ग्रीसिंग कर देते हैं।
आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीस इसके लिए, अच्छी क्वालिटी का। अब फ्रेंड्स हम इसकी सील वापस लगा देंगे। अब फ्रेंड्स हमको ये सील लगानी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी सील लग चुकी है। अब जो बचा हुआ ग्रीस है वो हम इसके साइड में लगा देंगे। और इसका जो स्पेसर है बोस टाइप का वो लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स व्हील की ग्रीसिंग हो चुकी है। अब मैं अपने ब्रेक्स की ग्रीसिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये वाला नट खोलना पड़ेगा। इसके अंदर एक पिन रहती है, उसको हम एलेंकी की हेल्प से खोलेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इस नट को खोल लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक पिन फंसी हुई है, मतलब वो भी एक तरह का स्क्रू होता है, उसे हम एलेंकी की हेल्प से खोलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ब्रेक पैड को ऊपर प्रेस करके इस पिन को खींच लेंगे। देख सकते हैं आप पिन निकल चुकी है। अब इस ब्रेक पैड को सिंपली ऊपर उठा लेंगे, एक पहले ही निकल चुका था। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर ये पत्ती लगी हुई है, अगर ये फंसी हुई है तो फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अगर निकल चुकी है तो आप इसको निकाल के संभाल के रख लें। अब फ्रेंड्स हम इसके ये ब्लैक वाला पार्ट है इसको बाहर खींच लेंगे ऊपर की साइड। देख सकते हैं आप सिंपली इसे ऐसे खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ये दो जो पिन लग रही हैं इसकी ग्रीसिंग करनी है हमें। और फ्रेंड्स आपको मैं दिखा दूं, ये दो रबड़ लगी रहती हैं, आप देख लें इनको, ये कट तो नहीं रही हैं कहीं से, वरना इनको चेंज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें ग्रीस लगा देता हूँ। इसमें आपको ज़्यादा ग्रीस नहीं लगाना, और फ्रेंड्स इसमें सिलिकॉन वाला ग्रीस यूज़ करते हैं, मेरे पास वो नहीं है तो मैं ये सादा वाला ग्रीस, नॉर्मल वाला ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ। आप सिलिकॉन वाला ग्रीस ही यूज़ करें, वही इसके लिए होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी इससे अलग होती हैं। तो फ्रेंड्स दोनों रबड़ पे ग्रीस लगा के अब इन दोनों पिनों पे भी ग्रीस लगाना है हमको। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह आपको ग्रीस लगाना है। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से इसको ग्रीस लगा के फिर आपको दिखाता हूँ, आपको जैसे निकाला है वैसे ही इनको इंसर्ट करना है। तो फ्रेंड्स ग्रीस लगाने के बाद आपको ये कैलिपर ऐसे करके इसमें फंसा देना है। अब फ्रेंड्स इसकी पिन पे भी हम थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स हम इसके पैड फंसा देंगे, तो सबसे पहले इधर का। अब फ्रेंड्स हम इसकी पिन फंसा देंगे।
अब फ्रेंड्स इसको टाइट कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसका स्क्रू घस देंगे हम। तो फ्रेंड्स इसकी ग्रीसिंग हो चुकी है। अब फ्रेंड्स हम इसका व्हील फंसा देंगे। तो फ्रेंड्स व्हील फिट हो चुका है और व्हील फिट करने के बाद आपको 5-10 किलोमीटर बाद ही फ़र्क पड़ता चलेगा, क्योंकि हमने ब्रेक्स खोले हैं तो वो फिर से सेट होंगे और बेयरिंग्स में ग्रीस जब तक पूरी तरह मिल नहीं जाएगा तब तक थोड़ा सा व्हील टाइट चलेगा। और फ्रेंड्स कुछ देर बाद आपका व्हील एकदम लूज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं व्हील काफ़ी लूज़ हो चुका है। पहले मेरी फ्रेंड्स बाइक की टॉप स्पीड और माइलेज पर बहुत फ़र्क पड़ रहा था व्हील टाइट चलने से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।